फ्रेंड्स, आई एम इप्सिता एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इप्सिताज वाइब्स। सो गाइज, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगी एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर हेयर। यस गाइज, इन टूडेज ईरा ईच एंड एवरी वुमन इज वर्किंग। लाइक इधर हम लोग ऑफिस जाके काम कर रहे हैं या फिर हम घर पे कोई काम कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं। सो ईच एंड एवरी वुमन इज रिलेटेड टू समथिंग और दी अदर। प्लस वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, सो दैट इज ऑलवेज वन प्रायोरिटी दैट वी ऑलवेज हैव इन आवर माइंड। इन सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते ना सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम खुद हो जाते हैं। लाइक इट एक्चुअली टेक्स अ टोल ऑन आवर हेल्थ, आवर स्किन एंड आवर हेयर। So that is something really, really bad. Like we kind of neglect ourselves in all these aspects. और हम लोग को लगता है कि ठीक है चलो जैसे भी हो चल रहा है, बट एक्चुअली इट्स वेरी रॉन्ग। आई वुड लाइक टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मी। लाइक आप लोगों को पता है कि मैं एक 9 to 6 यू नो कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब करती हूँ, प्लस आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो इन तीनों रोल्स को निभाना इज रियली नॉट ईजी। इट रियली टेक्स अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एट द सेम टाइम मेरे हेल्थ पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड विच इज वाई यू नो बीच में क्या हो रहा था, आई वॉज रियली गोइंग थ्रू अ फेज जहां पे आई कुड सी बॉल्ड पैचेस इन माई हेयर। लाइक आई वॉज एब्सोल्युटली टेकन अबैक व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि हाँ मेरे हेयर में थोड़े बहुत बॉल्ड पैचेस बनने शुरू हो गए थे एंड आई वॉज सो यू नो हॉरिफाइड कि ये क्या हो रहा है। आई हैड नो आइडिया कि उसको कैसे फिक्स करना है। सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब कि मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, ब्लॉग्स पढ़ती हूँ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय मेन मोटो वाज कि मुझे कुछ करना है जिससे मेरा हेयर ग्रोथ वापस हो। एंड आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वेरियस ब्लॉग्स, फिर मैंने वीडियोज भी काफी सारे देखे। सो आई केम अक्रॉस दिस मैजिकल प्रोडक्ट। दिस इज अ न्यू हर्ब्स प्लांट बेस्ड हेयर बायटिन। ये एक प्लांट बेस्ड बायटिन सप्लीमेंट है ऑनेस्टली, एंड ट्रस्ट मी दिस इज स्पेशली क्राफ्टेड फॉर यू नो प्रोमोटिंग योर हेयर ग्रोथ। सो बायटिन इज बेसिकली विटामिन B7 विच इज अ वॉटर सेल्यूबल विटामिन जो कि हमारे यू नो बॉडी में केराटिन प्रोडक्शन को यू नो स्टिमुलेट करता है एंड केराटिन इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉलिकल ग्रोथ। सो बेसिकली बायटिन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेयर ग्रोथ एंड हमारी बॉडी में बायोटिन प्रोड्यूस होता है नेचुरली, बट विद एज एंड विद टाइम इसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगता है एंड बिकॉज ऑफ विच यू नो सर्टेन पीपल स्टार्ट हैविंग यू नो बॉल्ड पैचेस या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। सो फॉर दैट रीजन वी गॉट टू टेक सम सप्लीमेंट्स एंड न्यू हर्ब्स का ये प्लांट बेस्ड वाइटिन एब्सोल्यूटली सेफ टू यूज बिकॉज इट हैज गॉट नो हार्मफुल केमिकल्स, इट हैज गॉट नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव एंड इट इज 100% यू नो नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड। सो दैट इज वाई आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। तो सबसे पहले मैं इसकी इन्ग्रीडियंट लिस्ट की बात करूंगी। सो इट हैज गॉट अ नेचुरल ब्लेंड ऑफ बायोटिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, DHT ब्लॉकर्स एंड ओमेगा 3 टू मेंटेन हेल्दी हेयर। And apart from that, the biotin is plant-based and it offers natural biotin from Sabacenia, care of natural antioxidants from hibiscus, curry leaves, mangosteen, rosemary extract. So basically, आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे ingredients इस particular product में है and ये आपके hair follicles को actually you know boost up करता है and आपके hair growth को stimulate करता है। सो आई टेक 1 scoop ऑफ द प्रोडक्ट विच इज प्रैक्टिकली 5 gram ऑफ प्रोडक्ट एंड उसको मैं यू नो 1 glass ऑफ वॉटर दैट इज 200 ml ऑफ वॉटर में मिक्स करती हूँ एंड आफ्टर मिक्सिंग इट वेल आई जस्ट टेक दैट कॉन्कॉक्शन एंड इसको मैं एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस लंच के 30 minutes बाद ही लेती हूँ एंड आई डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस क्योंकि इसको आप रेगुलरली करोगे तभी आपको इफेक्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज इन ब्लैकबेरी फ्लेवर एंड इसका टेस्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यू विल फील एज इफ यू आर टेकिंग अ जूस और समथिंग, सो इट्स प्रिटी ऑसम। सो नाउ गाइज, कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने इसको ऑलमोस्ट अभी 1 month हो गया है इसको मैं रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ एंड ट्रस्ट मी आई हैव एक्चुअली सीन यू नो स्मॉल हेयर ग्रोथ ऑन माई हेयर। लाइक मैं बोल रही थी ना जो बॉल्ड पैचेस है, मैंने पिक्चर भी अटैच किया है साइड में, सो वो बॉल्ड पैचेस अभी काफी ज्यादा रिड्यूस हो रहे हैं। आई कैन सी यू नो हेयर ग्रोथ ओवर देयर एंड आप देख सकते हो माई हेयर इज ऑल्सो लुकिंग प्रिटी हेल्दी एट दिस मोमेंट। पहले मैं आफ्टर शैम्पू जब हेयर ब्रश करती थी तो यू नो लाइक इतना बाल निकलता था, बट अभी माई हेयर फॉल हैज कंसिडरेबली रिड्यूस एंड देर इज अ हेल्दी शीन ऑन माई हेयर विच आई रियली लव। इट इज ऑल थैंक्स टू एन्यू हर्ब्स।
आई एम फॉलिंग इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली इसका आधा तो मैं फिनिश कर चुकी हूँ एंड आई एम श्योरली गोना बाय अनदर बैग सो टोटली लव दिस एंड इसको आप वेबसाइट पे तो जाके ले ही सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड इट हैज गॉट अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 years फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डे सो ऑब्वियसली दैट्स प्रीटी ऑसम. एंड गाइज आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर दोज पीपल who are actually suffering from hair loss because aaj ke din mein I'm sure everybody is going through that thoda bahut hair loss sabko hone laga hai. So I will highly recommend this product. This particular plant-based biotin from New Herbs is amazing, guys. Isko aap regularly lo and aapko result zarur dikhega. I have already shown the effect that I have got from this and I'm totally grateful to New Herbs for introducing such an amazing product. So guys, that was my honest review on New Herbs plant-based biotin and I would really want all of you to check this product out. Link will be provided in the description box. आप एक बार गाइस ट्राई करके देखो. आई एम श्योर यू आर नॉट गोना रिग्रेट इट. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस प्लीज डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. बाय बाय गाइस, थैंक यू.